उत्तराखंड के देहरादून में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जहां 133वां स्थापना दिवस देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कांग्रेस मुख्यालय पर उल्टा तिरंगा फहरा दिया और किसी भी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि ध्वजारोपण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह ने भी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, जिससे कांग्रेस जनों द्वारा उल्टा तिरंगा फहराया जाना कांग्रेस में चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जब यह खबर वायरल हुई तो उसके बाद कांग्रेसों की नींद खुली और फिर बाद में तिरंगे को सही ढंग से फहराया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जन तिरंगे के प्रति कितने गंभीर है। यह सरासर तिरंगे का अपमान है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। मैं इस परिप्रेक्ष्य में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डोरी ढीली होने की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा था झंडा उल्टा है, लेकिन उसको हम जो है उसके जो है उससे उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं।